एवरीवन, वेलकम बैक टू पीएम बाय प्रश्न अकादमी, जो अपन मन को प्रोवाइड करे जे टोटल फ्री एजुकेशन एंड दिस इज योर फेवरेट प्रतीक्षा मिश्रा। सॉलिड थंबनेल देखे कि समस्त जानी सारी आज हमें डिस्कशन करिबा हमरा इनिपी 2020 अनुसार मल्टीडिसिप्लिनरी कोर्सेस विषय। तो मैक्सिमम कॉलेज रे मल्टीडिसिप्लिनरी कोर्स वर्तमान सुधा चूज करा जाय पारे नी, कारण गवर्नमेंट तरफ रु हमकु कोनोसी प्रकार ऑर्डर मिलिनी जे को मल्टीडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट को हमें चूज करिबा। ठीक अछि, तो एठी आपन मन को देखाउ त लिस्ट ऑफ मल्टीडिसिप्लिनरी कोर्सेस फॉर मॉडल करिकुलम। ए जगह हमको गुड़ाए सब्जेक्ट देखा, जमीक फास्ट आप देख पार्थे लिखाई मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी एंड मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक्स, नेक्स्ट अच्छे बायो रिसर्च टेक्नोलॉजीज एंड बायो प्रोडक्ट, एमती करके गुड़ाए जिन दिखाई देखी पार्थे के दिखाई। इटे गोटे गोटे ओडिया भी सब्जेक्ट दिखाई, तुलनात्मक साहित्य, विज्ञान विषय साहित्य, कला विषय साहित्य, देन जियोग्राफी अफ जेंडर, ये गोटे जियोग्राफी अफ जेंडर, देन डेमोग्राफी, एमती करके गुड़ाए सब्जेक्ट आमको दिखाई। टोटाल के सब्जेक्ट आमको दिखाई, गोटे सेकेंड मुझे ओके तो टोटल सब्जेक्ट आमको 112 दिखाई एंड लास्ट अच्छी सस्टेनेबल टूरिज्म। ठीक अच्छे, तो ये 112 पेपर भितर चूज करने को पड़ा जे को कॉलेज रे केते अमाउंट रा टीचर अच्छा पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर एंड गवर्नमेंट को कॉलेज को कौन कौन आलर्ट करुचार आमर ये विषय गुड़ाक चूज हे जो अनुसार कि आर्ट्स कमर्स सैंस समस्त मल्टीडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट रहा। ठीक अच्छे, एंड आउ गोटे आम मैंने पढ़ुंट VAC वैल्यू एडेड कोर्स, जो थे आम EVS पढ़ुंट एनवायरमेंटल साइंस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। ऑलरेडी हमारे कोर्स चेंज हो जाए एंड ए कोर्स रे कौन कौन सब रही रिगार्डिंग जिनस ऑलरेडी अपलोड कर सारी, जो मैंने EVS रो सिलेबस विषय में जाणी ना देखी ना प्लीज जाके चेक कर दिंतु। आज मुझे सहित यही मल्टीडिसिप्लिनरी कोर्स विषय में डिस्कशन करदे, ये तो रोचे एत गुड़ाए विषय किंतु वर्तमान आम पाखु या भी नोटिस आसीगला जे साइंस रे को पेपर रे को माने को ऑनर्स रे पिला माने कौन कौन मल्टीडिसिप्लिनरी कोर्स चूज करिवे, आर्ट्स रो को ऑनर्स पिला कौन कौन चूज करिवे, कॉमर्स रो को पिला कौन चूज करिवे। ओके, वर्तमान आम से ही PDF पाखु को जीवा। एबे देखा जाउथुबो उपरे लिखाई लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट बेस्ड मल्टीडिसिप्लिनरी कोर्सेस अंडर मॉडल करिकुलम। ठीक अच्छे, तो एथिरे हमर जो मानकर बायोटेक्नोलॉजी ऑनर्स रही, बायोटेक्नोलॉजी प्लस थ्री ऑनर्स रही, कौन कौन नहीं पारे मल्टीडिसिप्लिनरी, मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी एंड मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक्स, बायो रिसर्च टेक्नोलॉजीज एंड बायो प्रोडक्ट, देन नानो बायोटेक्नोलॉजी, ये रोचे बायोटेक्नोलॉजी। सेम जो मानकर जियोलॉजी ऑनर्स रही, प्लीज जो मैंने भी वीडियो देखुं सब फ्रेंड्स मानक शेयर करूँ, जब जूनियर अच्छा को मैंने सीनियर मैंने वीडियो देखुं जूनियर्स मैं शेयर करूँ, समस्त को शेयर करूँ, कहीं वीडियो समस्त हेल्पफुल, सब डिपार्टमेंटर पिला हेल्पफुल, कारण सब ऑनर्स कौन कौन सब मल्टीडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट रही मुझे पूरा भल भाव एक्सप्लेन करुँच विथ सिलेबस मुझे देखेदेवि कौन कौन सिलेबस पढ़ाक पड़ो बस एंड जाए वीडियो को देखु एंड जिते भी पार्टी सत्ते शेयर करूँ, सब पिला डाउट जमी पूरा क्लीयर हो। ठीक अच्छे, तो जियोलॉजी जो मानक जियोलॉजी रही, ओशनोग्राफी अच्छी, क्लाइमेटोलॉजी अच्छी, जियो इनफॉर्मेटिक्स अच्छी। एवं पिलाने भावुवे किसी ऑनर्स पिला चारिटा मल्टीडिसिप्लिनरी, किसी ऑनर्स पिला तीनटा मल्टीडिसिप्लिनरी, एमती कहीं पिला आमर जो कोर्स रही कोर्स सिलेबस मुझे ऑलरेडी डिस्कशन कर सारी है कि जो मैंने से वीडियो देखी ना मुझे आई बटन में देदेवी से वीडियो या पर जाएंगे से वीडियोटा देखीदेवे से क्लासटा करदेला पूरा डाउट क्लीयर हो। किसी ऑनर्स पिला मल्टीडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट गोटे गोटे सेमिस्टर रे अच्छी, गोटे गोटे सेमिस्टर रे नहीं, तो जो मानकर सब सेमिस्टर रे मल्टीडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट अच्छी से ओबियसली चारिटा रहा, जो मानकर गोटे सेमिस्टर मल्टीडिसिप्लिनरी नहीं से रहा एमती भी किसी ऑनर्स अच्छा जमीक फिजिक्स ऑनर्स कोर पेपर गोटे कमी जाए कि जेहतु कोर पेपर गोटे कमी जाए से मल्टीडिसिप्लिनरी गोटे पढ़ा कथा पढ़े तो से मल्टीडिसिप्लिनरी टी अधिक रमी डिपेंड कर मैंने एनईपी 2020 सिलेबस अनुसार कौ डिपार्टमेंटर पिलार केतिकटा कोर पेपर रोचे है कि कोर पेपर अनुसार से मल्टीडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट डिपेंड करे। बस मुझे आपको सिलेबस देखेदे जो मानकर जो भी डिपार्टमेंट रही रिगार्डिंग जहाँ भी सिलेबस अच्छी से सबूतिक सिलेबस हमारे टेलीग्राम चैनल अपलोड अच्छी, आइदर आप टेलीग्राम चैनल जॉइन करके सबूतिक सिलेबस निजर देखिपारे डिपार्टमेंट व्वज निजर ऑनर्स व्वज अदरवैज निज जो कॉलेज एडमिशन करते निज कॉलेज HOD हूँ कि आपको जी भी पढ़ाऊँ पचारिदेवे जो एनईपी 2020 रही सिलेबस अनुसार आम केतेटा कोर पेपर रही कोर पेपर मैंने जहाँ को मेजर पेपर बोली कहते हैं कि मेजर पेपर पेपर रे आम आगुरी आम तो करते कोर वन कोर टू ऑनर्स पेपर जमीक आम जुलॉजी ऑनर्स कथ कौन फास्ट सेमिस्टर में आमको मेजर हिसाब से कोर वन गोटे पढ़ा पड़ो कोर टू गोटे पढ़ा पड़ो एक्चुअली से आगुरी कोर वन कोर टू बट एबा चेंज है कि कोर 1.1 कोर 1.2 हो जाए।
ठीक अच्छे सेमती आउ जो आपने पढ़ुते कौन ना जो जी पेपर जहाँ जनरल इलेक्टिव कहुला एवं तक माइनर पेपर कहुची। ओके तो जो कॉलेज स्टार्ट होनी बट गुड़ाए कॉलेज स्टार्ट हो गला माइनर पेपर। माइनर पेपर को आम कौ कोर टू एंड कोर थ्री है कि जो मैंने फास्ट सेमिस्टर रे माइनर पेपर पढ़े से मैंने पढ़े कोर टू फास्ट होगा थर्ड होगा फिफ्थ होगा ये तीन टा सेमिस्टर रे से मैंने माइनर पेपर कोर टू पढ़े बट कोर थ्री पेपर से मैंने इवेन सेमिस्टर रे पढ़े जमीक सेकेंड सेमिस्टर फोर्थ सेमिस्टर एंड सिक्स सेमिस्टर। ठीक अच्छे कोर वन हो मेजर मेजर है सी वन सी वन सी वन पॉइंट वन वन पॉइंट टू सी वन पॉइंट थ्री वन पॉइंट फोर यही टाइप्र से मैंने सब मेजर पेपर पढ़ी चलिए देन माइनर पेपर तक कोर पेपर टू एंड कोर पेपर थ्री बुझेगा एथर एंड ता सहित गोटे रहा मल्टीडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट जो मल्टीडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट रे इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स कहार आर्ट्स इकोनॉमिक्स रे रोची फाइनेंशियल लिटरेसी इंडियन इकोनॉमी एंड सोसाइटी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट साइकोलॉजी साइकोलॉजी ऑनर्स गोटे आम रही है सोशल साइकोलॉजी एजुकेशनल साइकोलॉजी हेल्थ साइकोलॉजी तीन टा रही संस्कृत आर्ट्स फंडामेंटल्स ऑफ संस्कृत ग्रामर देन संस्कृत संस्कृत शास्त्र परिचय जोटा अच्छी सॉरी संस्कृत शास्त्र परिचय सहीटा भी संस्कृत गोटे मल्टीडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट रही फिलोसफी फिलोसफी जो मैंने बीएड करेंगे से मानी आवश्यक रही एंड वर्तमान भी फिलोसफी समस्त आवश्यक रही तो फिलोसफी अनर्स जो मैंने अच्छा मल्टीडिसिप्लिनरी रही है फिलोसफी ऑफ भगवत गीता क्रिटिकल थिंकिंग एंड अप्लाइड रीजनिंग पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज एसब रही फिलोसफी फिलोसफी तीन टा रही जब हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को जी एन टा रही समस्त डिटेल एमती कहीं कहीं एक्सप्लेन करनी बस आपको जन कौन कतटा मल्टीडिसिप्लिनरी रही जिते शीघ्र पॉसिबल हम आपको ये इनफर्मेशन टा विदिन शॉर्ट टाइम भितर मुझे जनईदे चाहूँगी है कि नेक्स्ट सोशियोलॉजी सोशियोलॉजी आर्ट्स रही है ये देखी पार्थे तीन टा रही तीन टा मल्टीडिसिप्लिनरी सेमती सोशियाल वर्क भी आम तीन टा रही तीन सॉरी ये चार रही गोटे सेकेंड या देर आम चार मल्टीडिसिप्लिनरी रही। ओके नेक्स्ट आसवा नेक्स्ट इंग्लिश इंग्लिश आम रही तीन टा। ओके इंग्लिश रे तीन टा मल्टीडिसिप्लिनरी कॉमर्स कॉमर्स रही चारिटा मुझे जो मानकर भी गोटे गोटे कोर पेपर कमी जाकर मल्टीडिसिप्लिनरी पेपर आड हो अनुसार जब जुलोजी को देखा जुलोजी में आम कौन भी ये मैं कटिनि कौन से भी अनर्स पेपर आम कटिनि कितु ये आम गुड़ाए सब्जेक्ट दे दीजिए मैंने गुड़ाए जिनस पढ़ेवा देदी एमती वेक्टर बॉर्न डिजीज एंड एपिडेमोलॉजी वर्मी टेक्नोलॉजी एपिकल्चर सेरिकल्चर लैक कल्चर सस्टेनेबल सस्टेनेबल इकोटोरिज्म इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट एंड एनवायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान जाक मैं ईआई एंड ईएमपी बोली कहते जदि या भितर बर्तमान सुधा आमको तो कौन पढ़ा बोली चूज करके कहा ही जाए गवर्नमेंट तरफ बट मुझे जदि आमको वेक्टर बॉर्न डिजीज दि जाता एपिकल्चर सेरिकल्चर लैक कल्चर एंड एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट मैंने ईआई आउ ईएमपी दिया जाता ताले बहुत बढ़िया होता कहीं वर्मी टेक्नोलॉजी टिके डिफिकल्ट पाई वर्मी टेक्नोलॉजी एंड सस्टेनेबल इकोटोरिज्म ये दुटा टिके पिला पढ़ाक डिफिकल्ट हे कि वेक्टर बॉर्न डिजीज एंड एपिडेमोलॉजी जोटा कि आम ऑलरेडी जूलोजी में पढ़ु ईवीएस पढ़ु आमको बहुत इजी होटा आगुरी ईवीएस सिलेबसटा था कि कटि जाइए एंड एपिकल्चर जो महुमाची चाष ताको आम एपिकल्चर कहचु जो सिल्क वर्म जो थोड़े आम सिल्क ड्रेस पिंधु सिल्क वर्म चाष सेरिकल्चर लाखर कल्चर लैक कल्चर ईआईए ईएमपी आपको तो आम एनवायरमेंट पढ़ु ही पढ़ु एंड आम स्कूल बेलू भी पढ़ी पढ़ी आसचु तो यह सब को पढ़ाक आम इजी रही है डिपेंड कर देखा जाओ गवर्नमेंट आमको कौन दौरान पढ़ाई तो जहाँ भी आमको दिजा आम ट्राए करवा 1000% इफेक्ट देकर आम आपको पढ़ी कि सारे है कि नेक्स्ट माइक्रोबायोलॉजी जो मानकर माइक्रोबायोलॉजी अनर्स रहा से तीन टा रहा मल्टीडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट ये गला साइंस रा नेक्स्ट हिस्ट्री आर्ट्स 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 तीन टा रही बॉटनी तीन टा रही देखिए पार्थे गार्डनिंग एंड वर्मी कंपोस्टिंग देन हर्बारियम प्रिपेरेशन टिश्यू कल्चर एंड ऑफ प्लांट्स ये टिश्यू कल्चर एक्चुअली अनर्स पेपर में भी गोटे जगह रही एंड एटी भी रही जाए तो सेना तो बहुत बढ़िया फिजिक्स फिजिक्स मैंने बीएससी जो मानकर आईटीएम रोचे फिजिक्स गोटे रोचे मैथमेटिक्स रोचे ऑपरेशन रिसर्च रोचे सेमती बीएससी फास्ट जो मानकर रोचे आईएसटी रोचे सॉरी फास्ट कहते आईएसटी जो मानकर रोचे पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एलिमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक्स ये सब से रोचे मल्टीडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट देन जदि आम नेक्स्ट पेपर को आसवा होम साइंस होम साइंस रे तीन टा रही जो थे कि फूड एंड न्यूट्रिशन एक्चुअली फूड एंड न्यूट्रिशन आम जुलोजी जी पेपर गत वर्ष थी चाइल्ड डेवलपमेंट हूँ पेडागोजी गोटे पार्ट मैंने जो मैंने बीएड करेंगे आगे जाकि ये चाइल्ड डेवलपमेंट विषय में समस्ते पढ़े एंड फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट बहुत सुंदर पाठ ये देन हिंदी हिंदी में भी तीनो रोचे एजुकेशन एजुकेशन में चार रोचे मल्टीडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट
कंप्यूटर साइंस बा जक में बीसीए बोली कहउछन्ती गोटे बीसीए गोटे एमसीए जेम थे हमरा कमे बीएससी बोली कहउछन्ती सेम तंक रुचे बीसीए कंप्यूटर रे जो माने ग्रेजुएशन करन्ती तंक हम बीसीए कहउन्ती सो बीसीए जोटा रहउची तंकर कंप्यूटर फंडामेंटल्स रहउची इंट्रोडक्शन टू वेब टेक्नोलॉजी जोटे गोटे बहुत सुंदर जिंसा काईकना वर्तमान जुग रे वेब डेवलपमेंट आप डेवलपमेंट बहुत काम रे आसुची लैंग्वेज डेवलपमेंट ए सब बहुत काम रे आसुची तो वेब टेक्नोलॉजी बिषय जदि पिला माने जानिबे तो आगु को बहुत काम ही आसीबा एंड यस इंटरनेट एंड एथिकल प्रैक्टिस ये मध्ये गोटे बहुत इंपोर्टेंट पेपर तो ये तीन जाक बहुत सुंदर सुंदर पेपर एंड इंपोर्टेंट आजिकलिका जुग को देखा गले तीन टा पेपर बहुत इंपोर्टेंट पिला माने जदि को एंजॉय करके पढ़े तो आराम से आगे जाकि फ्यूचर में बहुत काम दबो फिजिक्स ऑनर्स पिला मानकर तीनटा रही बायोफिजिक्स इंट्रोडक्शन टू स्पेक्ट्रोस्कोपी नानो मटेरियल्स एंड एप्लीकेशंस ये रोचे फिजिकल फिजिक्स पिलामानकर नेक्स्ट पॉलिटिकल साइंस पिलामानकर तीनटा जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन पिलामानकर तीनटा देन आईआरपीएम बा पीएमआईआर जो मैंने अच्छा तंकर मध्ये तीनटा देन मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स आमर गुड़ाई दे गोटे दीटा तीनटा चारिटा पांचटा छटा पेपर आमर दे मैथमेटिक्स रे मैथमेटिक्स रो मल्टीडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट रे तो ये हो जे आमर विभिन्न प्रकार ऑनर्स रो मल्टीडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट ओके या परे मु आपण मानको देखे दोची सिलेबस कोठु पाइबे गोटे सेकंड आई थिंक हैंग हे गला ये होची सिलेबस ओके जो मानकर मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी एंड मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक्स रहउची तांकर ए कोर्स ऑब्जेक्टिव लर्निंग आउटकम ए सब विषय देखि देबे तापर यूनिट 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट 4 पूरा डिटेल्स हमको दिया हैची सिलेबस जे कोनोसी भी उठेके देखों दे फूड एंड न्यूट्रिशन जो मानकर रहैची देखि पड़थे बेसिक कांसेप्ट यूनिट 1 बेसिक कांसेप्ट इन फूड न्यूट्रिशन रहिची देन यूनिट 2 माइक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट यूनिट 3 माइक्रो न्यूट्रिएंट तो इस डिटेल सिलेबस सहित हमको शेयर कर दिया हैची पूरा सिलेबस सहित हमको पूरा दे दिया हैची जे कोन कोन पढ़ा जिवो केमिते क्वेश्चन पैटर्न रहिवो कोन रहिवो ईच एंड एवरीथिंग दे दिया हैची बस एबे डिपेंड करूची जे गवर्नमेंट तरफ रु हमको कोटा पढ़ेबा पई ऑर्डर आसुची जोटा भी हमको पढ़ेबा पई ऑर्डर आसीबो तार दुई दिन परे ही मु स्टार्ट कर देबी ए सब जिंस पढ़ेबा खास करकी जुलो जनर्स पिला मानकर जे तो मु जुलोजी लेक्चरर से मु ट्राई करी जे जुलोजी जितकी भी सिलेबस रोचे मैक्सिमम कवर करने वर्तमान जो माने भी जुलोजी पिलाने देखुं से मैंने प्लीज आम चैनल को फॉलो कर दिंतु सब्सक्राइब करके रखुदूँ कहीं डेली राति 8 बेलू को आम जुलोजी फास्ट सेमिस्टर पिला क्लास चलते फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल आउ व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप जब जॉइन करना जॉइन कर दिंतु आम क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करूँ किसी सर्ट नोट प्रैक्टिस करूँ तो किसी इनफर्मेशन एक्स्ट्रा इनफर्मेशन बुक्स ए सब जिन प्रोवाइड कर दूसरी पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट तो प्लीज जॉइन कर दिंतु टेलीग्राम चैनल एंड जिते भी फ्रेंड्स जूनियर सीनियर्स समस्त को शेयर करूँ चैनल बहुत हेल्पफुल से एंड ये जब आज का इनफर्मेशन आपको हेल्पफुल लगी तो प्लीज 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 लाइक शेयर सब्सक्राइब करने को जमा ही भूलेंगे देखा नेक्स्ट क्लास में थैंक यू।